कबीर बेदी भारतीय फिल्म के अभिनेता हैं जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट और इटली में भी एक्टिव हैं। कबीर को हिंदी सिनेमा में विलेन की भूमिका के लिए प्रमुख तौर पर जाना जाता है। वह अब तक कई फिल्मों में विलेन का किरदार निभा चुके हैं, जिनमें खून भरी मांग, मोहनजोदड़ो, साहेब बीबी, गैंगस्टर 3 प्रमुख हैं। तो चलिए कबीर बेदी की निजी जिंदगी की जानकारी करते हैं। कबीर बेदी की बायोग्राफी, कबीर बेदी की लाइफ स्टाइल, कबीर बेदी की लाइफ स्टोरी, एज, एजुकेशन, फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रेन, फिल्मी करियर, हाउस, नेटवर्थ के बारे में जानकारी करते हैं। अगर आप कबीर बेदी के चाहने वाले हैं तो एक लाइक तो बनता है कबीर बेदी के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कबीर बेदी का जन्म 16 जनवरी 1946 को लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में पंजाबी खत्री सिख फैमिली में हुआ था। कबीर बेदी का पूरा नाम कबीर सिंह बेदी है। कबीर बेदी के पिता का नाम बाबा प्यारेलाल सिंह बेदी, जो लेखक और फिलोसोफर थे। कबीर बेदी की माँ का नाम ट्रेडा बेदी था, जो ब्रिटिश महिला थी और डर्बी इंग्लैंड की रहने वाली थी। कबीर बेदी 3 भाई बहन थे, जिनके नाम रंगा बेदी, गुलहिमा बेदी और कबीर बेदी है। कबीर बेदी ने शेरवुड स्कूल नैनीताल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से स्नातक किया। कबीर बेदी ने बॉलीवुड में 1971 में हलचल मूवी से डेब्यू किया। कबीर बेदी ने बॉलीवुड की 60 से ज्यादा और कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में काम किया, जिनमें प्रमुख राखी और हथकड़ी, अनोखा दान, कच्चे धागे, माँ बहन और बीवी, हरफन मौला, डाकू और महात्मा, लतीफ अब बगदाद, ऑक्टोपसी, खून भरी मांग, ये आग कब बुझेगी, लंबू दादा, द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई, ताजमहल एंड इंटरनल लव स्टोरी, मोहनजोदड़ो, पैसा वसूल, साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 इत्यादि हैं। कबीर बेदी ने 4 शादियां की हैं। सन 1969 में कबीर बेदी ने डांसर प्रतिमा बेदी से पहली शादी की थी। प्रतिमा कबीर के 2 बच्चे हैं, बेटी का नाम पूजा बेदी और बेटे का नाम सिद्धार्थ बेदी। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही कबीर बेदी और बेहतरीन अदाकारा प्रवीण बॉबी से नजदीकियां बढ़ने लगी। यहां प्रतिमा और कबीर का तलाक हो गया। इसी बीच 1997 में बेटे सिद्धार्थ ने खुदकुशी कर ली। बेटे के जाने का गम प्रतिमा सह नहीं पाई और 1998 में एक हादसे में उनकी मौत हो गई। प्रतिमा से दूरियां बढ़ने के बाद कबीर और प्रवीण की नजदीकियां बढ़ने लगी। अभिनेता कबीर के साथ अभिनेत्री प्रवीण ने हॉलीवुड तक का सफर तय किया, लेकिन काम की वजह से कबीर और प्रवीण में मतभेद होने लगे। प्रवीण को यह महसूस होने लगा कि कबीर उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। शिकायतों के चलते दोनों अलग हो गए। प्रवीण बॉबी से रिश्ता टूटने के बाद कबीर का नाम ब्रिटिश फैशन डिजाइनर सुसैन हम्प्रेस से जुड़ा। जल्द ही दोनों की शादी की खबर आग की तरह फैलने लगी। हालांकि यह शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और सुसैन व कबीर का तलाक हो गया। दोनों का एक बेटा है अदम बेदी, जो एक इंटरनेशनल मॉडल है। 1990 के दशक में अभिनेता ने टीवी और रेडियो प्रेजेंटर निकी से 3री शादी की। हालांकि शादी के 15 साल बाद साल 2005 में दोनों के तलाक हो गए। इसके बाद कबीर प्रवीण दोसांझ को डेट करने लगे और उन्होंने अपने 17वें जन्मदिन पर प्रवीण से 4थी शादी की। कबीर सिंह बेदी के घर की बात की जाए तो ये एक बहुत ही बड़े घर के मालिक हैं, जो B4 बीच हाउस अपार्टमेंट, गांधी ग्राम रोड, मुंबई में है। कबीर बेदी के नेटवर्थ की बात की जाए तो इनका नेटवर्थ अबाउट $65 मिलियन है।